गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा की महिमा और हमें जो भगवान ने यहाँ क्रिया करने के संकेत दिए हैं, आदेश दिए हैं, वो वर्णन किया है, सुनाते हैं। क्या बताते हैं? कस्तूरी नाम कबीर है ये बिन छेड़े मकंत, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संते। ना गरीबदास जी कह रहे हैं कि कस्तूरी नाम कबीर है बिन छेड़े महकंत और आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। कि जैसे कस्तूरी को चाहे कोई छुओ या ना छुओ उसमें से प्रॉपर महक आती ही रहती है अपने आप ही, यानी परमात्मा कबीर जी की शक्ति अपने आप झलकती रहती है, जो संत उससे जुड़ जाता है, जो भक्त उससे जुड़ जाता है परमात्मा से, तो वो पल पल साथ रहता है और आभास कराते हैं परमात्मा कि मैं साथ हूँ भाई बच्चे। और वो भक्त फिर पल पल में परमात्मा से मिलने वाले लाभ को महसूस करता है। तो यहाँ कहते हैं कस्तूरी नाम कबीर है, परमात्मा से प्राप्त जो मंत्र है, परमात्मा की शक्ति उस मंत्र जाप करने वाले के अंदर अपने आप कार्य करती रहती है। और बिन छेड़े महकंत आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं शुरू से और अंत तक बताता हूँ कि इस परमेश्वर कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, समर्थ है। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत और झिन आकार अजोक पद त्रिकुटी में दिखंत। त्रिकुटी भरकुटी मेट दे घटके घाट अनंत और घट मट से न्यारा रहे जा का आदि न अंत। अब क्या बताते हैं कि जो तुम इस बॉडी में परमात्मा को देखने की चेष्टा करते हो, इसके अंदर परमात्मा का केवल प्रतिबिंब ही देख सकोगे। वो परमात्मा जहाँ रहता है वो स्थान भिन्न है, वहाँ जाने की विधि भी उस सूक्ष्म वेद में वर्णित है, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीरे, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीरे, दो नैनो बीच कमल है उजल हिरंबर धामे, शेष शेष पुनरटत हैं जिन्होंने पाया वो राम। सेंस 88 ना गए 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। सेंस 88 ना गए 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा की महिमा के जिस स्थान पर हमने पहुंचना है, जहां जाने के बाद साधक को कोई जरा और मरण कष्ट नहीं रहता, वहां किसी चीज़ का अभाव नहीं है, वो सुख सागर है। वहां जाने की जो साधना है वो या तो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं या उन महापुरुषों को प्राप्त थी जिनके विषय में दास ने अभी आपके सामने उनके शुभ नाम बताए, लेकिन उन महापुरुषों को हमने महत्व नहीं दिया। उस समय जिस समय वो प्रगट थे, उनके जाने के बाद भले ही हम ढेर सारे अनुयायी भी बन गए, लेकिन जो रहस्य उन छुपा गए वो अपने एफिडेविट अमृतवाणियों में अब एफिडेविट बना गए, लिख गए, उनको वो खुद ही समझ सकते हैं, उसमें कोड वर्ड होते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा अनुयायी भी बन गए, लेकिन उनके उन संकेतों को समझ नहीं समझ सके।
उन महापुरुषों के सब महापुरुषों ने क्या कहना चाहा था, समाज ने स्वीकार किया नहीं, देख सकते हैं आप आदरणीय नानक साहिब जी के उसमें कितने अनुयायी थे जब वो वर्तमान में थे, बहुत ही नाम मात्र थे, उनके जाने के बाद आप देख रहे थे करोड़ों की संख्या में सिख बन गए, शिष्य बन गए। अब वो उस समय अगर वर्तमान थे, उस समय कोई पूछने वाला ढंग से उनसे अर्ज करते तो वो रहस्य बता देते, लेकिन उस समय हम उनकी कीमत को समझ नहीं सके। ऐसे ही कबीर परमेश्वर आए थे, उस समय लोगों ने परमात्मा को समझा नहीं वहाँ की जनता ने, तो परमात्मा अपना कोड वर्ड लिख कर चले गए। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, मुलुकदास साहिब जी को, दादू साहिब जी को मिले, उस समय उनकी कोई किसी ना पूछ नहीं की, मैं तो नहीं दिया, जिस कारण से वो अपने कोड वर्ड छुपा कर चले गए। अब उन सभी सांकेतिक शब्दों को, उन रहस्य अद्भुत रहस्यों को उजागर करने की बुद्धि इस दास को दी कबीर भगवान ने। तो सभी सदग्रंथों की, सभी महापुरुषों के शुभ संकेत हैं और रहस्यमय संकेत हैं, उनको बताने के लिए इस दास पर मेहर करी है और वो आपको अब रूबरू कर रहा है, इसका लाभ उठाओ। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।